हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम 3 वर्ष वाला सवाल देखेंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.50 रुपया है, तो उस राशि का पता लगाइए। तो इसको हम 3 तरीके से आपको बताएंगे। तो हमारा पहला तरीका है फर्स्ट मेथड। तो पहला तरीका क्या है, तो इसको हम पहले सूत्र पर बनाएंगे। 3 वर्ष वाला के लिए सूत्र होता है, 3 वर्ष वाला के लिए सूत्र क्या होता है, अंतर वाला सूत्र। 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो अंतर का सूत्र होता है P × R² / 10,000 और यानी कि मल्टीप्लाई यानी गुना 3 + R/100। बस यही होता है, इसको आप याद रखेंगे। अंतर कितना दिया हुआ है, 15.50 रुपया बराबर पी यानी कि मूलधन, यानी उस राशि का पता लगाना है, यानी कि पी का पता लगाना है, मूलधन का पता लगाना है। तो मूलधन क्या कितना दिया हुआ है पता नहीं, यानी किसी धन राशि तो पता नहीं है, तो पी का पी और R² मतलब 10 × 10 यानी 10 को 2 बार लिखना है, बटे 10,000 ठीक, और मल्टीप्लाई है यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 + R का मान कितना है, R का मान 10 यानी कि 10/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, उत्तर निकल जाएगा। तो इधर क्या हुआ, 15.50 बराबर इधर कितना हो गया, 10, 10, 100, तो 2 जीरो नीचे खत्म, और यहां से इसको यहां पे इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो 1 तो 0, 1 तो 0 इधर से भी कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको अच्छा से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 155 बराबर P/10 और यहाँ पे आ गया 3, 10 यानी कि 1/10 ठीक, 1/10। अब इसको जरा और सॉल्व करते हैं, तो 155 तो इधर कितना हो गया, 31 लिख सकते हैं, 155 बराबर P/10 × 31/10 31 से 5 बार में 55 और तो इधर कितना हो गया P/10, इसको इस पार कर देंगे और 10 × 10 100 × 5 500, तो मूलधन कितना निकल गया, 500 रुपया। तो मूलधन कितना निकल गया, 500 रुपया। सेकेंड मेथड में हम दर लेकर के बनाएंगे, तो दर कितना है, 10%, 10% को तोड़ेंगे तो 10/100 तो कितना हो गया, 1/10। अब इसमें क्या करना है, ये 3 वर्ष वाला सवाल है, यानी 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला सवाल है, तो इसको क्या करना है, 10 को 3 से गुना करके, 10 को 3 से गुना करके ये 1 जोड़ देना है, 10 को 3 से गुना करके ये 1 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, 10 × 31 = 31, 31/10। तो और क्या है, ये 3 वर्ष है, तो ये 10^3 कर देना है, और 10^3 कर देना है, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 31/10^3 यानी कि 1,000। ये क्या है मूलधन और ये क्या है
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि 3 साल का जो अंतर का यानी कि है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और यह है मूलधन, यह मूलधन है और यह अंतर, यानी अंतर के बराबर होगा और यह मूलधन के बराबर होगा। तो अंतर कितना दिया हुआ है, यानी कि 31 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 15.50 रुपया, और हमसे पूछा है उस राशि यानी कि मूलधन, तो 1000 यूनिट बराबर कितना, 1000 यूनिट का मान निकालना है हमसे, यानी कि हमको निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 × 15.50 बटे 31, पॉइंट उड़ा तो नीचे 20, यहां से 10 31 से 5 बार में, और इधर कितना हो गया 500 रुपया। थर्ड मेथड क्या है, इसको जो है इस मेथड में हम 10 यानी कि दर को ही लेकर के बनाएंगे। दर कितना दिया हुआ है, 10%, और कितना साल है, 3 साल, तो 10 को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे, 10 को क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर जो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ब्याज का ब्याज कितना होता है, यानी कि साधारण ब्याज का फिर ब्याज निकालना है, फिर 10 का यही 10% निकालना है, यानी कि 10 का 10%, तो कितना आया, 1, 10 का 10%, 1, और फिर अब यहाँ पे कितना हो गया, 10, 10, 20, 21, फिर 21 का फिर कितना निकालना है, फिर 10% निकालना है, 21 का फिर 10%, यानी कि 21/10 यानी कि 2.1, यानी कि इधर कितना आ गया, 2.1%। तो हमसे पूछा है उस राशि का पता लगाना है, तो इधर इसको सॉल्व करेंगे, 10 + 10 = 20 + 10 = 30, 30% इधर से, और इधर 2, 1, 3 यानी कि 3.1%, और ये वाला जो होता है ये अंतर होता है, यानी अंतर के बराबर होता है। तो अंतर होता है ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 3.1, तो 3.1 यानी कि यही जो है 3.1%, यानी 3.1% बराबर 15.50 के बराबर होगा। तो उस राशि का पता लगाने, यानी कि 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 100 × 15.50 बटे 3.1, 10 यानी कि पॉइंट उड़ा तो, यानी कि पॉइंट के बाद 10 और ऊपर से नीचे यानी कि पॉइंट के बाद 20, यानी कि ये सौ कैंसिल, ये 31 से 50 बार में, और ये 50 × 10 ₹500। तो ये हमारा मूलधन निकला। तो ये रहा तीसरा तरीका, और ये आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आपको यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।